श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्ण गुरोर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश गुरु परम ब्रह्म तस्म गुरवे नमः। तस्म श्री गुरव चतुर्थ प्रश्न में सौरिया यानी गार्ग्य प्रश्न पूछते हैं अथ हैनम सौरिया यानी गार्ग्य पप्रछ भगवन एक पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति कतर एष देव स्वप्ना पश्य कस्य एक सुखम बवती कस्मु सर्वे इति ये तीन प्रश्न होने के पश्चात अथ इस अथ शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर लिखा है प्रश्न त्रेन अपर विद्या गोचरम सर्व संसार व्याकृत विषय साध्य साधन लक्षण अनित्यम इस संसार में द्वैत के जगत में आप कुछ भी करो कितना भी करो ये आपको नित्य सुख की प्राप्ति नहीं देगी स्वर्ग में भी जाओ तो वो भी टेम्पररी है स्वर्ग में भी झोपड़पट्टी है देखो वहां भी धारावी भी है हर जगह वही काम है देखो महाराज स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है स्वर्ग ये अनुभूति के क्वालिटी को स्वर्ग कहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई जैसा ये भीमपुरा स्थान है वैसे स्वर्ग कोई स्थान है ऐसे नहीं तो यह संसार व्यात विषय जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है यह जो अभिव्यक्त का संसार है यह यथ इध साध्य साधन लक्षण अप्राण, अप्राण मनोगोचर अतीद्रिय विषय विश्व शिवम शातम अविकृतम्क्षर सत्यम पर विद्यागम्यम पुरुषाख्यम अजम वक्तव्यम इति प्रश्नोत्र आरम्भ थे अब सवाल यह आता है कि यदि ये जगत को हमने त्याग दिया तो क्या बचता है उस परमात्मा तत्व को पहचानने के लिए अब ये अगले तीन प्रश्नों का विस्तार हो रहा है देखो किसी भी इल्यूजन को जब तक के सबस्टैट का सपोर्ट नहीं होगा जैसे जो उदाहरण आता है सांप रस्सी का अंधकार पूरा हो तो सवाल ही नहीं थोड़ा थोड़ा अंधकार थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो तो कुछ तो भी है माने कुछ होने की संभावना है क्या है ये पता नहीं माने अज्ञान नहीं है अपूर्ण ज्ञान है अज्ञान का अर्थ मुख्य रूप से ज्ञान के अभाव को कहते हैं ज्ञान का अभाव कभी होता नहीं ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता क्योंकि ज्ञान के अभाव को सिद्ध करने के लिए ज्ञान ही चाहिए तो यह क्या है यह मालूम नहीं कुछ तो भी है अज्ञान उसके पश्चात फिर हमारे मन ने प्रोजेक्ट किया हो सकता है साफ हो क्योंकि रस्सी सांप के जैसे दिखती है ऐसा कभी इल्यूजन नहीं होता कि आ, क्या है पता नहीं लंबा लंबा है, लगता है हाथी होगा ऐसे कभी नहीं लगता है होगा ही लगता है तो हर एक इल्यूजन के नीचे सबस्टैटम होना आवश्यक है तो यदि ये जगत हमको दिख रहा है और ये सत्य नहीं है तो इसका सबस्टाटम क्या है देखो इसलिए यहां इस तत्व का आप चिंतन शुरू हो जाएगा ये दो बातें आती है ना जगत के बारे में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जी वो ब्रह्म ही बना पहा तो जगत को मिथ्या जब कहते हैं तो कई जो लोग हैं बड़े गुस्से करते हैं काहे का है मिथ्या है इनको इस मिथ्या शब्द का अर्थ ठीक से ग्रहण नहीं हुआ इसलिए बात करते हैं ऐसा समझ लो सुवर्ण और आभूषण यदि सुवर्ण को सुवर्ण कहो तो ठीक है लेकिन सुवर्ण को आभूषण कहो तो गलत है क्योंकि आभूषण नष्ट हो सकते हैं सुवर्ण नष्ट नहीं होता और आभूषण क्या है सुवर्ण प्लस नाम रूप और उपयोगिता तो यह नाम रूप उपयोगिता यही तो जगत है देखो अब जैसे रूप रंग को हमने नष्ट कर दिया तो हमारे आंखों पर कोई प्रभाव नहीं आंखें बंद कर ली तो मन पर कोई प्रभाव नहीं मन सो गया गहरी नींद में तो चैतन्य पर कोई प्रभाव नहीं माने रूप रंग का होना दृष्टि पर आधारित है दृष्टि का होना मन पर आधारित है मन का होना चैतन्य पर आधारित है लेकिन चैतन्य स्वतंत्र सत्ता है देखो कठोर परिषद में मंत्र आते हैं इंद्रिय परा ह्यर्था अर्थेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष परुषा परचित सा का परागति इंद्रियों से श्रेष्ठ वो तन्मात्रा है जिससे विषय और इंद्रिय बने हैं अर्थे भ परम मन तन्मात्राओं से श्रेष्ठ मन है मन से श्रेष्ठ वैयक्तिक बुद्धि है वैयक्तिक बुद्धि से समष्टि बुद्धि श्रेष्ठ है महतहा परम समष्टि बुद्धि से परमात्मा की जो अनंत शक्ति है वो श्रेष्ठ है और इस शक्ति से श्रेष्ठ परमात्मा है परमात्मा के परे कुछ नहीं इसका अर्थ ये नहीं अच्छा परमात्मा के परे कुछ नहीं माने कुछ नहीं नाम की वस्तु नहीं है सा काष्ठा सा परागति वही अंतिम स्थिति है तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अब ये प्रश्न यहां चिंतन के लिए ले जाते हैं तो गार्ग्य पक्ष गार्ग्य ने पूछा कि भगवान एतस्मिन पुरुषे कानि स्वपंथी इस पुरुष में जब वो सोता है तो कौन कौन सोता है कानी इंद्रियाणी स्वपंथी और कानी अस्मिन जागृति और कौन जगता रहता है देखो और कतर एश देहा सपना पश्य और ये सपने को कौन देखता है देखो इसको चिंतन कहते हम लोग तो कहते ए, मुझे बहुत बड़ा भयानक सपना आया था अरे महाराज सपने में तो आप थे ही नहीं जागृत पुरुष को सपना नहीं आता सपने में आपको लॉटरी लग गई तो लॉटरी का पैसा स्मगल करके जागृत में ले आते क्या तो यदि स्वप्न के लॉटरी का पैसा जागृत में नहीं आ सकता इसी प्रकार से स्वप्न पुरुष भी जागृत में प्रवेश नहीं कर सकता इसीलिए मुझे बुरे सपने आए थे ये जागृत पुरुष ने कहना सरासर झूठ है एक बार कहीं हमारी रिट्रीट थी ऐसे ही मेलबर्न की बात है शायद दो तीन दिन की रिट्रीट थी बाकी देशों में वीकेंड रिट्रीट होती है वीकेंड माने वीकेंड रिट्रीट नॉट स्ट्रांग तो वहां पहली रात निकल गई दूसरा दिन सुबह का क्लास हो गया और एक पति पत्नी आए इसीलिए मैं अपने कमरे में किसी को नहीं आने देता मैं किसी के यहां चले जाऊं तो उठ के जा सकता हूं कोई मेरे कमरे में आए मैं आकल की निकाल नहीं सकता आप मेरी समस्या समझो तो वो आगे बाबरे अब क्या करो तो स्वामी जी आप इनको समझाइए मैंने वो समझदार होते तो तुमसे शादी करते पति को नहीं समझाया जा सकता पति को समझना पड़ता है ये रात को बहुत खर्राटे मारते है जोर जोर से और मैं जब इनको उठाती हूं तो सीधे शांत के मैं नहीं कराटे मार रहा था और फिर शुरू कर देते क्या करू तुम जुगलबंदी करो फिर हमने कहा देखो तुम्हारे पति जो कह रहे हैं वो खर्राटे नहीं मारते ये सत्य है मुझे मालूम था आप हमेशा पति की साइड लेते हैं पत्नी की साइड नहीं लेते हमने कहा सुनो बाबा झगड़ा मत करो जो सो रहा था वो तुम्हारा पति नहीं था जो नींद से जग करके देह के साथ तादाद में किया वो तुम्हारा पति है स्वामी जी आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं वेदांत का यही सिद्धांत है कंफ्यूज करके छोड़ दो इट एक्ट लाइक ए वायरस और द वैक्सीन इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग तो मुझे बुरा सपना आया था यह वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता इसीलिए आप प्रश्न पूछते हैं ऐश देवहा कतर एश देवहा सपनान पश्च्य सपना कौन दिखता है मैं तो नहीं देखता किसने देखा था सपना इसी विवेक को लेकर के अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ है देखो हमारे जनक महाराज ने दोपहर को खाना खाया और कहीं गए थे बड़ी बगीचा में घूमने के लिए और वहां पेड़ के नीचे एकदम झपकी आ गई क्या आ गई तो फिर उनको सपना पड़ा कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा है और उस अकाल में सब जगह लोग भूखे हैं ये भी उनमें एक है और उसके पश्चात ये कई धर्मात्मा अन्न दान कर रहे थे ये भी लाइन में खड़े हो गए इनको एक रोटी और सब्जी मिली उतने में कुत्ता आया इनकी रोटी झपक के ले गया ये उसके पीछे दौड़ रहे दौड़ते दौड़ते कई बार फैसला और गिर गए नीचे सपना टूट गया अब इनका प्रश्न ये था कि राजा जनक ने भिकारी का सपना देखा कि भिकारी राजा जनक का सपना देख रहे हैं कौन सत्य है इसके ऊपर पूरी अष्टावक्र गीता हो गई है देखो महाराज हम लोग केवल एक ही तरह से विचार करते हैं इसीलिए फंस जाते हैं तो आ, कतर एश दे सपना पश्यती कससे सुखम भवती <coughs> गहरी नींद में जो आनंद होता है वो किसको होता है जागृत पुरुष को नहीं होता क्योंकि वो था ही नहीं वहां पति को नहीं होता वो तो था ही नहीं लेकिन आनंद जरूर होता है किसको होता है कतर है तस्वीन कससे सुखम भवती कस्मिन सर्वे संप्रतिष्ठिता बनती थी और जितने भी ये इंद्रिय मन प्राण इत्यादि है ये कहां गायब हो जाते हैं कहा वापस चले जाते हैं ये आप हमको बताओ इसको कहते हैं आत्मचिंतन एक बार हम कहीं पूर्वोत्तर भारत में थे और हमारे होस्ट जो थे जैन सज्जन थे नाम भी उनका सज्जन था सज्जन जैन अब नहीं रहे तो उनके यहां हम जब गए खाना खाने तो उनकी मां ने या पत्नी ने मुझे प्रश्न पूछा भाव जी हमारे मुनि लोग आते हैं वो भी कहते आत्मचिंतन करो आप भी कहते आत्मचिंतन करो आत्मचिंतन करो माने क्या तो उस अम्मा को समझाने के लिए हमने कहा कि अम्मा आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव देखो आप पीछे का बैकग्राउंड देखो ब्लू कलर का अब देखो कहाँ है आप अपने से दूर भाग गए फिर वहां से दृष्टि को हटाओ और इस कैमरे पर लगाओ अब कहाँ है आप अपने से थोड़े नजदीक आ गए अब अपनी ही आंखों को देखो तो देखना बंद हो गया जिसका चिंतन हो नहीं सकता वो यदि परमात्मा है तो उसका चिंतन कैसा करोगे आप चाहोगे भी तो आपके मन में वृत्तियां नहीं उठ सकती हमने दान धर्म नहीं किया है हमने तपस्या नहीं करी है हमने जप नहीं किया है हमने नर्मदा जी में डुबकी नहीं लगाई है वृत्तियों का जन्म दो कारणों से होता है एक तो विषय को देख करके वृत्ति का निर्माण होता है और दूसरा संस्कारों के कारण वृत्ति का निर्माण होता है जागृत अवस्था में वृत्तियों का निर्माण विषयों के दर्शन से होता है और सपना अवस्था में वृत्तियों का निर्माण संस्कारों से होता है और इन दोनों को प्रकाशित करने वाला एक ही तत्व जो जागृत भी में जागृत पुरुष नहीं बनता स्वप्न में स्वप्न पुरुष नहीं बनता बल्कि इन दोनों का प्रकाशक दोनों से भिन्न है शिवम शांतम अद्वैतम एकमेवा इस तत्व को लखाने के लिए इसको कहते हैं अवस्था त्रय विवेक तीन त्रय माने तीन तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तीन अवस्थाओं में तीन अनुभव करने वाले होते जागृत पुरुष स्वप्न पुरुष सुषुप्त पुरुष क्योंकि ये तीन है इसीलिए चौथा कहते हैं परमात्मा को लेकिन परमात्मा चौथा नहीं है परमात्मा ही है चौथा नहीं है देखो यदि आपको एक ही लड़का है तो आप उसका इंट्रोडक्शन ऐसा कराएंगे क्या ये मेरा बड़ा लड़का है नहीं एक ही, ही है तो बड़ा छोटा लंबा चौड़ा कुछ नहीं एक ही है इसी प्रकार से यदि हमारा ध्यान स्वरूप की तरफ रहा तो तुरय भी नहीं रहता ये तुरय चतुर्थ यह व्याकरण के अनुसार उसका भाषांतरण है लेकिन वेदांत में तुरय का अर्थ है एक मेवादी ऐसे नहीं कि जागरूक सपना सुषुप्त तूर्य चौथा ऐसा नहीं इसका अर्थ जैसे पुत्र पति पिता तीन चौथा आदमी तो क्या आदमी इनसे अलग है आदमी ही सत्य है अच्छा इस पिता को पुत्र को पति को मैं आदमी हूं ये स्वीकार करने के लिए कितना प्राणायाम करना पड़ेगा कितना दान धर्म करना पड़ेगा कितनी तपस्या करनी पड़ेगी एक टांग पर खड़े रहो कैलाश की प्रदक्षिणा करो देखो चलते जाओ चलते जाओ बम बोले बम बोले देखो आप ये नॉर्थ इंडिया में कितना जलता है कष्टी मार्ग पुष्टि मार्ग तुष्टि मार्ग सब काहे के लिए नहीं 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 मैं तपस्या कर रहा हूं किस लिए पता नहीं कर। तो बोल दिया कर रहे थोड़ी तो बुद्धि लगाओ स्वामी जी समस्या तो वही है ही है नहीं उधार ले लो देखो तो अब इसके उत्तर में बताते हैं दूसरा मंत्र तस्म स होवाच यहा्य मरीचै अर्क हस्त सर्वा एक तेजो मंडले एक तुनः पुनः उदयता प्रचरती एवं ह वै तत्सव परे देव मनसीव पुषा न शृणती न पश्य न जिग्रति न रसयते न ना स्ृशते नाभिवदते ना ना नंदते न ना विसृजते नेनायते स्वीति देखो तो ये सभी की सभी कहां प्रतिष्ठित है प्रश्न था उसका कस्पिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता आखिरी प्रश्न पहले उसका उत्तर देते हैं तस्मय से होवाच टू उस विद्यार्थी को पिपला ने कहा गार्ग्य यथा जिस प्रकार से मरीचय गच्छता जब सूर्य डूब जाता है तो सूर्य की किरणें कहाँ चली जाती है वो वापस सूर्य में चली जाती है एको तेजो मंडले एक ही पुनः उदयता प्रचलंती एवं और फिर जब सूर्योदय हो जाता है तो सभी किरणें फिर बाहर निकल आती है इसी प्रकार से एक सर्वं परे देवे मनसी एक ही देखो तो ये जितने भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इत्यादि है प्राण ये सभी के सभी मन में इकट्ठे हो जाते हैं और ये मन जो है परमात्मा में परे देवे एक ही भवती ही, एक हो जाता है देखो ये भी बात हमने आपको बताई फिर से बता दे बहुत आवश्यक है जानना विषय केवल इंद्रियों के स्थलीकृत भाव को कहते हैं रूप रंग स्थूल है दृष्टि सूक्ष्म है रूप रंग कार्य है दृष्टि कारण है यदि दृष्टि नहीं हो तो रूप रंग की सत्ता नहीं है तो जब दृष्टि जो सूक्ष्म है किसी को दृष्टि दिखती नहीं वो तो कार्यानुमेय है यदि कोई आदमी टकरा गया कहीं से तो पूछेंगे यार अंधा है क्या वो कहे हां जी मैं अंधा हूं तब पता चलेगा उसको दिखता नहीं आंखें तो खुली है तो दृष्टि जो है वो कारण है सूक्ष्म है और हमारे पास है दृश्य जो है रूप रंग स्थूल है कार्य है और हमसे दूर है तो दृष्टि ही जब स्थूल हो जाती है तब तो उसको दृश्य कहते हैं और आगे चलो मन सूक्ष्म है और पास है और कारण है यही मन जब आंखों से निकला तो दृष्टि बना तो मन के कंपैरिजन में तुलना में दृष्टि स्थूल है दूर है और कार्य है देखो और आगे चलो चेतन सत्ता कारण है सूक्ष्म है और अपना स्वरूप है मन चेतन सत्ता की अपेक्षा में स्थूल है दूर है और कार्य है ऐसा इसको पकड़ लो ऐसा पकड़ोगे तो क्या होगा जगत के विषय हमको गुलाम नहीं बनाएंगे जगत के विषयों को हमने जीत लिया तो फिर इंद्रिय हमको गुलाम नहीं बनाएंगे इंद्रियों को जीत लिया तो मन हमको परेशान नहीं करेगा और फिर ये बात अनुभूत होती है मन और चैतन्य एक ही है यदि मन में से अनात्म भाव निकाल दिया जाए अनात्म भाव रहित ज्ञान को ही चैतन्य कहते हैं अब बताओ ये चिंतन करना जिसको परेशानी होती है वो कभी आके बैठेगा महाराज ये बहुत हो गया चलो अब हम लोग ऐसा करते हैं अन्न दान के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं देखो इसीलिए जब तक के अधिकारी ना हो तब तक के इस मार्ग में टिकता नहीं लेकिन हम गृहस्थों की क्या बुद्धि होती है जैसे अपने गवर्नमेंट में क्या बुद्धि है कि जो नालायक है उनके लिए रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए लायक नहीं है लेकिन रिजर्वेशन से उनको मिल सकता है अब वही बुद्धि यहां ले आते हैं। नहीं नहीं स्वामी जी आपके लिए ठीक है आप तो तो ग्रस्त है हमको कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है रियलाइजेशन के लिए हाँ है हाथ में पे तबला पेटी लेकर के र... नाचो हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो सब नहीं तो अपने आप को परेशान करो कष्ट करो बहुत कष्ट करो जितने हो सकते उतने कष्ट करो जटिलो मुंडी लुंचित के काम बहुकृतवेश पश्यन अपनी न च पश्यति मूढ़ा उदर बहुकृत बहुकृतवेशा भज गोविंदम गोविंद देखो संतो इसलिए जिस प्रकार से सूर्य की किरणें निकलती है सूर्य में वापस चली जाती है इसी प्रकार से जितने भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण इत्यादि है जहां से निकलते हैं वही वापस चले जाते हैं देखो जब आंखों में कंट्रैक्ट होता है तो दृष्टि चली गई ये डॉक्टर लोग क्या करते पर्दा हटा लो और कुछ नहीं करते दृष्टि निर्माण नहीं करता डॉक्टर केवल जो पर्दा आया था पर्दे को हटा दिया इसी प्रकार से हमारे ज्ञान पर यह भ्रांति का पर्दा आया है और यह पर्दा मालूम है कैसा है बड़ा सुंदर पर्दा है जिस प्रकार से समुद्र लहरों से ढक जाता है जिस प्रकार से पानी समुद्र से ढक जाता है इस प्रकार से दृष्टि रूप रंग से ढक गई है मन इंद्रियों से ढक गया है और चेतन सत्ता जो हम है वो मन से ढक गई है घूंघट के पटखोल तो हे पिया मिलेंगे अब मुझे बताओ ये विषयों का ढक्कन इंद्रियों से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा शीर्षासन करो उससे क्या होगा आपकी गर्दन इतनी दुखनी लगेगी कि पूरा का पूरा आप अंतर्मुखी हो जाओगे <laughs> देखो महाराज ये साधना नहीं होती साधना में कष्ट नहीं है आनंद के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कष्ट के स्टेशन नहीं आते आनंद ही आनंद है जो अपने आप को टॉर्चर करते हैं, वो हृदय भगवान का अपमान करते हैं देखो तो जिस प्रकार से सभी की सभी किरणें सूर्य से निकल के सूर्य में वापस चली जाती हैं उसी प्रकार से ये सब के सब ये नित्य निरंतर हो रहा है सूर्य उगा किरणें बाहर आई डुबा चली गई इसी प्रकार से देव के साथ में हुआ ये सब बाहर आ गया फिर अंदर चला गया फिर बाहर आ गया ये भगवान का बबल गम का खेल है बच्चे खेलते हैं बबल गम मुंह में रखेंगे और एकदम पुप फिर दूसरा याग बंद कर वो ऊप भगवान भी यही कर रहा है देखो ना कुछ पैदा हुआ ना कुछ नष्ट हुआ मन तब पैदा होता है जब गति निर्माण होती है गति नहीं तो मन नहीं गति है तो समय है सीक्वेंस है क्रम है अगले बार यहां खड़े रहोगे नर्मदा जी के पास देख रहे हो क्या देखा आपने हम आपको बताते हैं वो देख लेना आप अगले बार नर्मदा जी में दो प्रकार की गतियां है एक सामान्य गति है उस गति के अनुसार नर्मदा जी अपने अमरकंटक से निकल करके भरूच तक जा रही है एक दिशा की गति है उद्गम से लेकर के अंत तक और बीच में बीच में आप देखेंगे तो भौरे है भौरों में दूसरी गति है उस गति को कहते सेंट्रीपिटल यदि कोई कीड़ा या कोई लकड़ी या कुछ वस्तु ऐसी सामान्य गति में चल रही हो तो शांत चल रही है बीच में कहीं भौरा आ गया तो वो भौरे में जाके नीचे खींची जाती है और फिर बड़ी मुश्किल है लेकिन निकल आती है फिर जिंदा रही तो इसी प्रकार से हमारी सबकी जीवन की एक गति है विसर्ग कर्म भगवत गीता के आठवें अध्याय में विसर्ग की परिभाषा ये दी है देखो तो यह समष्टि जीवन जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक दिशा में जा रहा है जैसे नर्मदा जी की यह गति एक दिशा में है उसमें रिवर्स गियर नहीं होता और फिर बीच में आ जाते भौरे कौन सा भौरा है देहात्म भाव उस देहात्म भाव के भौरे में फंसे तो नीचे खींचे गए मैं स्त्री मैं पुरुष मैं जवान मैं बूढ़ा मैं मां मैं बाप मैं सास मैं ससुर और जब नीचे चले गए तो हमारे नर्मदा जी में क्रोकोडाइल है <laughs> देखो महाराज जब ये बात स्पष्ट हो जाती है ना तब देखेंगे कि दुनिया में ना कभी कुछ हुआ है ना कुछ सब चल रहा है ऐसा ही सस्य मरते उमर तह हाँ पचते सस्य वहां जा पुनः कितने बार कितने पैदा हो के कितने निकल गए यही कहानी आपकी हमारी होने वाली है नहीं मैं अमर होना चाहता हूं नाम रख लो अमर दासवानी देखो नाम रखने से कुछ नहीं होता अमर मर गया सुलोचना अंधी है लक्ष्मी भीख मांगती है सरस्वती अनपढ़ नाम रखने से कुछ नहीं होता महाराज देखो जब ये बात समझ में आती है ना तो आदमी दुनिया में नहीं भटकता ना उद्योग का लेना ना माधव को देना तो पुनः उदयता प्रचलती हवई तत्सर्वे परे भवति मनसी एक हे पुरुषा न शुणी न पश्य न जिग्रती नसयते क्योंकि सभी के सभी इंद्रियां अब वापस मन में चले गए मन चला गया कन्हैया लाल में तो उसके बाद ये आदमी ना सुनता है ना बोलता है ना देखता है ना चखता है ना कुछ करता है देखो क्योंकि विषयों की उपलब्धि होती है केवल इंद्रियों के माध्यम से यदि इंद्रिया नहीं है तो विषयों की उपलब्धि नहीं हो सकती तो ये पूरे विषयों की स्थिति कहां है केवल इंद्रियों में देखो तो जो व्यक्ति इंद्रिय में आके बैठा उसके लिए विषय का महात्म्य है जो इंद्रियों से हट गया है उसके लिए विषयों का महात्म्य नहीं है कठोपनिषद की श्रुति कहती है परांच खानी वितरण स्वयंभू तस्मात्ान पश्यती नान प्रत्यगात्मा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृत हमारी इंद्रिय भगवान ने बाय डिफॉल्ट फॉल्ट कर दी है कोई आदमी अपने घर की खिड़की के पास खड़ा हो जाए अंदर से और कहे ये तुम खिड़की से क्या देख रहे थे ने? मैं कमरे के अंदर देख रहा था किसको बेवकूफ बना रहे खिड़की के पास खड़े रहेंगे तो बाहर देखेंगे अंदर नहीं इसी प्रकार से इंद्रियों में हमारी इंद्रियों की जो खिड़कियां है वहां बैठेंगे तो अपने आप एक्स्ट्रोवर्ट हो जाएंगे तस्मात्व इंद्रियाणी आदो नियम्य भरतर्षभ भगवत गीता में कहते हैं इसीलिए आध्यात्मिक साधना में पहले इंद्रियों को समझा करके उपरत करना है मार तोड़ करके नहीं मार तोड़ करके करना कहना करना यह गलत बात है भगवान कहते हैं रसवर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते यदि आप जबरदस्ती से करो कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा लेकिन मन में मिठाई के लिए रस बना हुआ है और जब देखा कोई नहीं है इधर उधर में ठक आप किसको भेकूप बना रहे हैं देखो संतो जब तक के हम अपने स्वरूप के रस का पान नहीं करते तब तक के जगत के रस में जगत के विषयों में रस आएगा तो जब हमने इस प्रकार से गहरी नींद में सब का त्याग करके सबके सब, सब इंद्रिय इत्यादि वापस आ गए इसीलिए वहां ना कोई जगत है ना जगत के अनुभव है ना अच्छा है ना बुरा है अब ये बताने के लिए यह उदाहरण देते जो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा ये उनके लिए समझ में आएगा जो अग्निहोत्र करते हैं अग्निहोत्र में भिन्न प्रकार के पंडित होते हैं भिन्न प्रकार की अग्नियां होती है हम लोगों को एक ही अग्निहोत्र मालूम है धूम्रपानम शतगोदानम हमारा अग्निहोत्र एक ही है देखो किसी को सिगरेट पिलाओ तो उसका पुण्य सौ गायों के दान के बराबर होता है धूम्रपानम शतगोदानम एक, -एक कश गंगा स्नानम हमको वही एक मालूम है दूसरा कोई मालूम नहीं तो जिन्होंने ये अग्निहोत्र समझा है उनको ये समझ में आएगा प्राणाग्नय एतस्मिन पुरे जागृति गारहपत्यो हवा एश अपन व्यानो अन्वाह पचन यद गारह प्रणीयते प्रणीयतें प्रणयनाद आह्वनीय प्राण तो ये चार प्रकार के पांच प्रकार के अग्नि होते हैं जो इस यज्ञ में लिए जाते हैं तो ये पांच प्रकार के अग्नियों के उदाहरण देते हैं तो पांच प्राण की अग्नि इस देह में जागृत रहती है तो कौन सो जाता है इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और मन ये सब सो जाते हैं लेकिन जगते प्राण है देखो तो गहरी नींद में हमारा डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है ये प्राण शक्ति करती है इसीलिए जो आध्यात्मिक साधना का एक पक्ष है वो ये है कि यदि आप केवल अपने सांसों के बारे में केवल सावधान रहे सांस आ रही है जा रही है एक भी सांस मिस नहीं होनी तो उसका परिणाम क्या होगा पहली बात हम सांस लेते नहीं सांस चल रही है दूसरी बात सांस हमेशा वर्तमान में ही होती है तो जब हम सांसों की तरफ ध्यान देंगे तो हम वर्तमान में रहना शुरू कर देंगे जब वर्तमान में रहेंगे तो मैं पैदा नहीं होगा और उन सांसों के साथ यदि प्रभु के नाम को जोड़ लो तो सांस माने क्रिया शक्ति मन से भगवान का नाम माने ज्ञान शक्ति ये दोनों सिंक्रोनाइज हो गए इसी को कहते सुषुमना नाड़ी जब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति एक हो गए उसी को कहते सुषुमना फिर उसमें प्राण ऊर्धामी होकर के चैतन्य में लीन हो जाते हैं इसलिए ये पांच प्रकार के जो प्राण है इनको अग्नि के जैसा कहा है तो जैसे अग्निहोत्र में अग्नि को हमेशा बनाए रखना पड़ता है कई बार जब लोग जानते नहीं ना किस प्रकार से आहुतियां डालनी है तो धड़ाधड़ खत्म करने के लिए डालते रहते हैं और आहुति के कारण ही अग्नि बुझ जाता है फिर थोड़ा ऊपर से रॉकेट डाल करके जलवा दो यदुश्वास निश्वासौ एतौ आहूति समयती साम मनोहवाव व यजमान इष्टफल उदान स एनम यजमान अहर अहर ब्रह्म गमयति ध्यान से सुनना तो पहले तीन प्राण जो है वो इस देह में जब हम सोते हैं तब भी जगते हैं वो है प्राण अपान और व्यान अब चौथा है समान तो कहते हैं ये जो यद उच्छ्वास निश्वास आहुति जो हमारा सांस चल रहा है गहरी नींद में यही उस अग्निकुंड में आहुतियां प्रदान हो रही है देखो गहरी नींद में आदमी कभी भी जल्दी में नहीं होता कभी किसी ने ऐसा देखा है क्या कि कोई आदमी गहरी नींद में खर्राटे मार रहा और जल्दी में खर 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 नहीं जल्दी कहा है कि कर... सप्त स्वर फिर कर और जो जगते हैं उनको गुस्सा है। देखो और ये जो श्वास उश्वास चल रहा है ये समान चलता है इसीलिए उसको समान वायु कहते हैं यह उश्वास निश्वास हो ये तो आहूति समम नहीं थी इतनी सहा इनको उश्वास श्वास को आहुति इसलिए किया कहा है क्योंकि आहुति के कारण ही अग्नि प्रज्वलित रहती है आहुति डालना बंद कर दो तो अग्नि जल्द खत्म हो जाएगी इसी प्रकार से जब तक के प्राण की आहुतियाँ इस अग्निकुंड में चल रही है तभी तक जीवन बना रहता है जहां सांस लेना बंद हो गया वहां जीवन नहीं रहता विश्वास नहीं है तो आधे घंटे के लिए सांस रोक लो बाकी का हम कर लेंगे यद <laughs> उच्छ्वास निश्वास एत आहूती समम स समान वह समान वायु है अब मनोहभाव यजमान अब कोई भी यज्ञ कर्म चल रहा हो ना तो उसमें यजमान होता है ध्यान से सुनना अगले बार जब देखोगे तो पंडित जी को पूछना और कंफ्यूज करना उनको भी मालूम नहीं होता वो ट्रेडिशनल पंडित जी बनते हैं आपको असली पंडित देखने हैं तो दक्षिण भारत के देखो वो पढ़ते हैं एक दो दिन नहीं पंद्रह पंद्रह साल और पूरा अध्ययन करके तब बनते अपने यहाँ गुजरात में तो कुछ भी हो सब लिए सिर्फ उनकी ट्यून बदलती है मंत्र वही है एक बार कहा की बात है यूएसए में एक छोटा सा गांव था उस गांव में दस बारह अपने इंडियन थे और हमको वहां ले गए थे सत्संग के लिए हम गए वहां वहां एक बुढ़ाओ सिंधी सज्जन थे बंबई के रहने वाले बंबई माने गणपति बापा मोरिया अब वहां किसको भी कुछ भी नहीं आता था कभी पूजा नहीं करी कभी यज्ञ नहीं किया कभी आरती नहीं करी कुछ भी नहीं अब ये वयस्क वडिल ग्रस्त पहुंच गए वहां और वहां पहुंचने के पश्चात कोई बात नहीं मैं करा दूंगा और जब मैं गया तो उन्होंने वहां थोड़ा बहुत पूजा का किया था और वो सुन करके मुझे इतनी खुशी हो गई हमने लगा कि सिंधी इज फिट एवरीवेयर ही मेक्स एवरीथिंग अनफिट बट ही इज फिट तो उन्होंने कुछ भी करना हो हाँ अभी हाथ में चावल ले लो और अंधे नहीं बनी है माना यथांदा बाकी के जो यजमान थे वो भी वैसे हाथ में चावल दीजिए खा गए अरे खाते नहीं <laughs> <laughs> वो संकल्प के लिए है अरे हमको क्या मान <laughs> देखो <laughs> तो, जिसके हाथ में दिया वो हो गया यजमान क्योंकि यजमान संकल्प लेता है और फिर उस यज्ञ का फल यजमान को मिलता है पंडित जी को दक्षिणा मिलती है यज्ञ का फल नहीं मिलता जैसे दशरथ जी ने यज्ञ कराया था तो पुत्र वो पंडित जी को नहीं हुए दशरथ जी को हुए तो यह जो यजमान है ये मन है तो ये जो बाकी के जो चार प्राण बताए प्राण अपान व्यान समान ये चार चार प्रकार के पंडित जी है हर एक आ, हर एक वेद का एक एक पंडित होता है होता उद्गाता ये चार प्रकार के चार पंडित हो गए और फिर यजमान कौन है इस शरीर में जो प्राण की आहुति या दे करके शरीर जिंदा है तो कहते यजमान है मन देखो कितना सुंदर बताया उन्होंने तो मनोहवाव व यजमान हा। अब एक प्राण और बचा है उदान वायु तो कहते हैं इष्ट फलम एव उदान ये जो कर्म किया माने ये जो प्राण चल रहे हैं जीवन चल रहा है इसमें क्या मिलता है फल इस यज्ञ कर्म का तो कहते हैं अहर अहर एनम यजमान पर ब्रह्म गमयति तो यह जो उदान वायु है गहरी नींद में इस मन को पर ब्रह्म परमात्मा में मिला देता है अहर अहर रोज ब्रह्म गमयति हम सभी के सभी जब सोते हैं तब परमात्मा में एक होते हैं अच्छा हो गया बता दिया आप तो मैं उठूंगा ही नहीं <laughs> देखो महाराज हम सोते कहाँ है हम तो तवे पर दोषे के जैसे उलट पलट होते रहते हैं <laughs> देखो ये तब समझ में आएगा कि जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि मन और चैतन्य एक ही है कैसे पति और आदमी एक ही है अब देखो पति और आदमी में क्या फर्क है आदमी जब पत्नी को महत्व देता है तब उसको पति कहते हैं जब आदमी पत्नी रहते हुए भी सुखी रहता है तब वो ब्रह्म है तो क्या साधना करोगे जीवन में मौज में रहो बी हैप्पी और कुछ साधना नहीं करनी है नहीं तो वह घटाकाज, मटाकाज, मठा फटाकाश और पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म वो शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम ये शब्द जालों में फंस जाओगे देखो कुछ समझ भी नहीं आता छोड़ दो स्वरूप में बैठे रहो तो ये समझ भी नहीं आया नेवर देखो तो रिलैक्स मन मरना नहीं चाहता इसीलिए मन प्रश्न उठाता है और इन प्रश्नों के साथ जब तादाद में हो जाता है तो वहां व्यक्तित्व पैदा होता है देखो आहार अहर ब्रह्म गमयती इस प्रकार से इस शरीर में कौन सोता है कौन जगता है तो जो पंच प्राण है वो जगते हैं आप लोगों ने तो भागवत कथा सुनी है कई बार आप प्रोफेशनल हो सभी के सभी प्रोफेशनल सत्संगी कई महात्माओं को सुनकर रख दिया अब चैलेंज है महात्मा के सामने सुधार के दिखाओ हाँ। <laughs> ऐसे कई आके चले गए असंगो हम, असंगो हम, असंगोहम पुनः पुनः हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये तो हमारा स्वरूप है। देखो संतो तो भागवत कथा में आता है एक प्रसंग और वह बड़ी विचित्र कहानी है और उस कहानी में बता दे एक अमुक अमुक था और वह ऐसे स्थान पर गया और वहाँ एक बड़ी सुंदर थी उसके पीछे चलने लग गया और उसकी सेवा करने के लिए एक पांच फंड वाला बड़ा नाग उसके पीछे जाता था जहाँ भी वो जाती थी ये भी उसके पीछे जाता था नाग भी वहां रहता था उसको प्रोटेक्शन देता था ऐसी कथा आती है वो यही कथा है और कुछ नहीं है तो इष्टफलम एवं उदानहा तो गहरी नींद का फल क्या है आनंद सुख आनंद सुख क्या है मन जब चैतन्य में डिजॉल्व हो जाता है तो उस अनुभूति को आनंद कहते हैं ध्यान से सुनना बर्फ जब पानी में घुल जाता है तो आवाज नहीं करता और जल्दी जल्दी में नहीं होता डाल दो होगा अपने टाइम से क्या जल्दी है इसी प्रकार से बर्फ मन को इस चैतन्य में डाल दो धीरे 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 हो जाएगा यदि प्रयत्न करोगे तो मैं पैदा होगा इसीलिए हम हमेशा बताते हैं मेडिटेशन मत करो ध्यान मत करो ध्यान दो ध्यान करोगे तो वहां ध्याता बन जाओगे मैं मेडिटेशन कर रहा हूं मेडिटेशन इन प्रोग्रेस टेक डी टूर हमको आधा घंटा मेडिटेशन रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन वैसे नहीं रहना है हमको 24 घंटे में 24 घंटे मेडिटेशन में रहना है देखो संतो इसीलिए इस यज्ञ का फल यही है कि यह मन चैतन्य में डिसाल हो जाता है इसीलिए यह एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयती <coughs> तो अच्छा ये जब मन जब अपने स्वरूप में ब्रह्म में लीन हो जाता है तब क्या होता है अगले मंत्र में बताते हैं अत्र स्वप्ने महिम अन्भवती यदृष्टम अनुपश्यति अनुपश्यतितम श्रुतम एववाशृण दिग्दी दिग् दिगंतरश्च दिग, प्रत्यनुभूत पुनः पुनः प्रत्युभवती दृष्ट चा दृष्टम च्रुतम चा श्रुत चनुभूत चा ननुभूत सच्चा सच्च सर्व पश्य पश्य मन जो है स्वप्नावस्था में सुषुप्ति में मन चला गया अपने स्वरूप में यही मन जो है स्वप्नावस्था में क्या करता है अत्र ऐसा यह देव जो मन है स्वप्ने महिमानम अनुभवती अपनी ही विभूतियों का दर्शन कर रहा है देखो अपनी विभूतियों का दर्शन करने का एक उदाहरण दे दिया आपको <coughs> ठाणे में हम किसी नॉर्मल आदमी के हाँ यहां गए थे आपको बताया ना ठाणे में पागलखाना है इसीलिए स्पष्ट कर दिया किसी नॉर्मल आदमी के हाँ यहां गए थे उनके यहां जाने के पश्चात हम बैठे तो वहां दीवाल पर एक भगवद्गीता का चित्र लगाया था भगवान कृष्ण है अर्जुन है घोड़े हैं सब कुछ है <coughs> अब उन्होंने बताया स्वामी जी ये हमारी पत्नी ने बनाया है इसको फर्स्ट प्राइज मिला था हमने कहा ठीक है खाना दो मैं खाने के लिए आया हूं आपको कैसे लगा हमने कहा देखो मैं प्रूफ रीडर हूं मुझे जो ठीक है वो दिखता है, नहीं जो गलत है वो दिखता है इसमें गलत है कुछ फर्स्ट प्राइज मिला है हमने कहा इट मेक एनी डिफरेंस गलती है गलती है क्या गलती है मैं बताऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा क्या बोले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमने कहा पहले खाना खाते फिर बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा खाना खोना खा लिया स्वामी जी आप बता अब उस अम्मा का दिमाग उसी में क्या गलती है क्या गलती है स्वामी जी आप इसको लेंगे क्या इसको लेंगे क्या ध्यान वहां अपनी महिमा के तरफ मेरे पिक्चर में से किसने क्या गलती निकाली आज तक किसी ने नहीं बताया पिछले दस साल से यहां है बड़े बड़े महात्मा आके गए हमारे यहां और आप कहते हो गलती हमने खाना तो खाने दो खाना खा लिया समझो मैंने बताई गलती और आपने स्वीकार करी तो क्या करोगे बोले मैं इसको यहां से हटा दूंगी हमें ये मत करना यह रखना और इसको याद रखना कि आध्यात्मिक साधना क्या होती है ठीक है हमने कहा भगवान कृष्ण के हाथ में लगाम कहाँ है रे हाथ ही ऐसा है और हाथ में लगाम है नहीं देखो यह जो मन है यह मन परमात्मा में लीन हो गया गहरी नींद यही मन अपनी ही विभूतियों का दर्शन कर रहा है मैंने कितना अच्छा बनाया कितना बढ़िया बनाया मेरे जैसा से कोई बनाता ही नहीं फर्स्ट प्राइज मिला है इसी प्रकार से ये जो मन है अपनी ही विभूतियों का वर्णन करने लग जाता है और क्या करेगा यद दृष्टम दुष्टम अनुपस््य जो देखा था वही नींद में सपने में देखेगा जो सुना था वही सुनेगा जो भिन्न भिन्न देशों में गए थे वहां का फिर देखेगा और पुनः पुनः प्रत्यनुभवति और फिर दूसरे बार तीसरे बार उसका फिर फिर अनुभव करता है दृष्टम अदृष्टम च इतना ही नहीं कई बार तो ऐसा देखता है मन जो कभी देखा ही नहीं था देखो ये अपने ही महिमा का मन दर्शन कर रहा है एक बार हमने आपको कही कहानी बताई थी आपको याद नहीं होगी तो अच्छा है एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा था ये। ये स्वामी जी आप कभी सपना देखते हैं क्या मैंने बोला हाँ देखता हूं कैसा सपना देखते हैं? मैंने ये बताओ तुम देखते हो हाँ मैं देखता हूं तुमको सपने में क्या आता है बोले स्वामी जी हंसना मत क्या मुझे सपने में आता है, मैं फेल हो गया परीक्षा हुई भी नहीं फेल हो गया बोले आपको मैंने मुझे, मुझे सपना आता है कैसा सपना आता है मुझे सपना आता है मैं बैठा हूं लेक्चर दे रहा हूं लोग सो रहे हैं एक ही सपना आता है बोले हमेशा नहीं कभी कभी बदलता भी है कैसे फिर मैंने कहा एक बार मैं जा रहा था और कहीं हमारी कार रुक गई किसी कारण से वहां एक आदमी वो बंदरों का खेल कर रहा था एक बंदर एक बंदरिया बंदर को बढ़िया कपड़े उपड़े पहनाए निकटाए पहनाया, पहनाया रस्सी बांध ली और हाथ में डंडा दे दिया और घुमाया टन 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 डन पैसे इकट्ठे किए उसका नाम था गंगाराम 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 फिर एक बार चक्कर घुमाए पैसे किले किए गंगाराम भानुमति से शादी करोगे गंगाराम खुश कूदने लगा यस 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 फिर पैसे इकट्ठे किए बांध के रख दिया फिर भानुमती को लिया भानुमती को घुमाया वो भी शॉर्ट स्कर्ट पहनी है वो है और बढ़िया लिपस्टिक लगाई है और घुमाया खूब पैसा इकट्ठा किया फिर उसको पूछा ये भानुमति भानुमती गंगाराम से शादी करोगी थो 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 कौन करेगा उससे शादी फिर पैसे इकट्ठा किए ऐसा जब हो रहा था तब तक तो हमारी गाड़ी चल पड़ी अब ये गंगाराम भानुमति दिमाग में घुस गए और रात को सपना आया गंगाराम लेक्चर दे रहा है भानुमति रही देखो महाराज स्व महिमानम अनुभवती ये मन कुछ भी कर सकता इसी को सपना कहते हैं इसीलिए यहां कहते हैं आ, सच्चा असच सर्वम पश्य जो है जो नहीं है स्थूल है सूक्ष्म है इतना ही नहीं देखने वाला भी मन होता है देखा गया भी मन होता है देखो सपने में आपने यदि शेर को देखा तो जगने के बाद उसको मारने का प्रयत्न करेंगे क्या सपने में यदि हमने किसी दुश्मन को देखा तो मन को पनिशमेंट देंगे क्या नहीं इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि मुझमें है मई एवं सकलम जातम मई सर्व प्रतिष्ठितम मई सर्व लयम याती तद ब्रह्मा हम लेकिन ये कब होगा सपने से जगने के पश्चात जब हमको ये समझ में आएगा जो देखा था वो सपना था तो सपने में किसी के प्रति भी ना राग है ना द्वेष है इसी प्रकार से जो इस जागृत स्वप्न से जग जाते हैं उनको ना उद्धो का लेना है ना माधो का देना है फिर क्या करते हैं टाइम पास मुझे आप सबसे इसीलिए प्रेम है कि सभी के सभी टाइम पास करने के लिए आए एक बार हम दिल्ली से बद्रीनाथ इत्यादि जा रहे थे और लास्ट मोमेंट पर एक सज्जन आ गए अपनी माँ को लेकर के स्वामी जी मेरी माँ को प्लीज ले जाना हमने कहा देखो भाई जगह नहीं है फिट है पूरा का पूरा बिल्कुल पैर पकड़ लिए पंजाबी लोग जो होते हैं ना अपनी मनवा के रखते हैं उनकी विशेषता है दे आर वेरी पुशिंग टाइप तो मैंने बोला यार मेरे पैर मत खींचना बैठा दो कहीं तो उसके पांच हजार रुपये स्वामी जी ले लीजिए ठीक है इसको दे दो भरत भाई को दे दो और जब मैं बोले स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है कुछ तो फिर अलग से ले गए कार के बस के पीछे फिर दस हजार रूपए निकाले स्वामी जी किसलिए दे रहे बोले अगले बार जब भी जहां भी जो भी कैंप होगा मां को ले जा <laughs> उस दिन मुझे समझ में आया सत्संग से शांति होती है आप सब लोग यहां आ गए ना आपके घर में शांति है देखो जहां आप है वहां घटाकाश पटाकाश, मटाकाश शुरू हो जाएगा तो सच असच जो है जो नहीं है सर्व पश्च्यति सब देखता है और सर्वा पश्चति वही देखने वाला बनता है इस प्रकार से स्वप्न केवल मन के विकार और उन विकारों के साथ मन का ही अपना तादात्म्य इस शब्दों को मत भूलना तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन इसको पकड़ के रखो बाकी सब ठीक है और तादाद में करना ही है तो अच्छी वस्तु से क्यों ना करें? पापो हम पाप कर्मा हम देखो दो बच्चे खेल रहे थे और एक ने दूसरे को गया लो कल की बच्ची सब्जी खा लो कुछ और नहीं है लड़के ने कहा कल्पना ही तो कर रही हो तो कल की बच्ची सब्जी क्यों रसगुल्ले जलेबी लड्डू खा लो कल्पना ही तो है ये क्यों कल्पना करे कि मैं देह हूं मैं जीव हूं मैं पापी हूं देखो महाराज कल्पना करने में क्यों दारिद्र्य देखो लेकिन ये भी मत करना मालूम है आजकल ब्रह्म हो गया नहीं नहीं वैसे भी नहीं ये अपने स्वरूप की स्थिति है ब्रह्म हमको बनना नहीं पड़ता ब्रह्म हम है जैसे आदमी तो पति बन सकता है लेकिन पति कभी आदमी नहीं बन सकता क्योंकि वह हमेशा आदमी ही था गलती कर ली एक वेडिंग सूट फॉर सेल यूज वंस बाय मिस्टेक देखो आप पाश्चात्य देशों में चले जाओ वहां के लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं कोई भी लड़की या आदमी शादी के लिए जो लड़की का ड्रेस होता है वो बनाता नहीं खर्चा नहीं करता वहां किराये पर मिल जाता है तो जितना बड़ा ड्रेस जो भी है पचास डॉलर सौ डॉलर का करके ले लो शादी के फोटो वोटो कर निकाल के दे दो वापस फिर फिर काम आएगा तो आप फिर आएंगे <laughs> प्रैक्टिकल यहां हमारी हिंदुस्तानी में है इतना महंगी वो क्या साड़ी है जो भी है खरीदते हैं बता दे ये पचास हजार रुपये की साड़ी है केवल एक ही बार पहनते जिंदगी में दूसरा चांस ही नहीं कम से कम दूसरा चांस दे तो बात ठीक है वो भी नहीं देखो ये मन को पहचानो और ये सब मन का तमाशा है इसके साथ ज्यादा मत खेलना इसको दूर रखना और उसके पश्चात यह सपन देखने वाला मन जब सो जाता है तो क्यों कैसे सो जाता है यह विषय अगले सत्र में होगा ओम पूर्णमदहा मदहा पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिशान्तिश्शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्